मेरा बीवी मुझे बहुत परेशान करती है और रोज मारपीट करती है। अभी भी उन्होंने मेरे को मारा और उनके घर वाले से धमकी देती है, मेरे गुप्त अंग काट देगी। और एक दिन तो ये करने भी वाली थी उसने, मैं तो भाग गया घर से। तो सुना आपने, ये है पीड़ित पति जो अपनी कहानी कहने के लिए थाने पहुंच गया। ऐसे ऐसे गंभीर आरोप पत्नी के ऊपर लगाए जिसे सुनकर आप और हम सन्न रह गए। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी के उत्पीड़न के खिलाफ थाने पहुंच गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसका प्राइवेट पार्ट तक काटने की कोशिश की, साथ ही साथ पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। वहीं पत्नी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताकर एक नई कहानी बता दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर का है, जहां असम के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उसकी शादी ज्वालापुर हरिद्वार की रहने वाली लड़की से 6 साल पहले हुई थी। लड़के ने बताया कि अक्सर उसकी पत्नी झगड़ा करती है, उसका उत्पीड़न करती है और मारपीट करती है। और तो और उसने ये तक आरोप लगाया कि पत्नी के झगड़े से परेशान होकर उसके माता पिता भी उसको छोड़कर चले गए। मेरा बीवी मुझे बहुत परेशान करती है और रोज मारपीट करती है। अभी भी उन्होंने मेरे को मारा और उनके घर वाले से धमकी देती है, मेरे गुप्त अंग काट देगी। और एक दिन तो ये करने भी वाली थी उसने, मैं तो भाग गया घर से। अगर मैं कुछ बोलने लगूँ तो कहीं किसी वो घर वाले पास थाने में रिपोर्ट करा देती है, तो इस वजह से मैं कुछ कहते नहीं हूँ। बहुत दबा के रखा है उन्होंने। कितना कितना समय हुआ शादी में आपकी? आपको 6 साल हुए हैं। 6 साल में बीवी क्यों परेशान कर रही है, अभी क्या है वहाँ? बीवी कहती है, परेशान करती है। फिर हम रहते हैं असम में रहते हैं, यहाँ पे आए हम मेरठ में, जमुनानगर जाहिदपुर रहते हैं, वही पे हमारा काम है जो भी है। तो उन्होंने कह रहे ज्वालापुर चल, ज्वालापुर काम करेंगे। और उनके घर वाले, उनका भाई, उसकी बहन है पिंकी, मिनीसा, इनको बुला के रोज लड़ती झगड़ती रहती है, चाहे हमारे वहां पे किसी से ही पूछ लेना। मैं बहुत परेशान हूँ इसकी लड़ाई झगड़े से, तो मेरा मम्मी पापा भी चली गई यहाँ से। वही पति की तरफ से तो ये आरोप लगाए गए। पत्नी की तरफ से सीधे और साफ तौर पर कहना था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके चलते वो तमाम आरोप लगा रहा है। पत्नी ने ये तमाम आरोप अपने सिरे से खारिज कर दिए हैं। सब झूठ, मुझे फंसाने के लिए करा ये सब झूठ। उसको कई और रास्ता नहीं मिला, ये सब फंसाने के लिए किया। और जब भी मैं उसे समझाना चाहती हूँ, मुझे मार मार के हालत करा दे। बार बार 3 तलाक, तुझे तलाक दे रहा हूँ, मैं तो उसको ही लाऊंगा। और मुझे घर से भगा दिया। जब भी समझाने जाओ, मारना पीटना हर चीज से परेशान कर दिया उसने मुझे। कौन है वो महिला, किसके लिए हो रहा? वो एक लेडीज है। वो लेडीज मान लो, वो लेडीज इतनी गंदी है, उसकी 4-4 शादी हो रखी है और बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी है, उसकी जवान लड़की भी है। मैं उसको 2-3 बार प्यार से अपनी बहन के हिसाब से समझाने गई, उल्टा मुझे धमकी दे रही। मेरे पास वीडियो भी है उसकी, और मेरे साथ और भी लोग हैं। कमेले पे चले ना मेरे साथ, उस लेडीज के बारे में सब कुछ बता देंगे कि वो लेडीज कैसी है। कुछ वीडियो आपने देख क्या है? वो वीडियो मैं उसे समझाने गई थी, तो वो वीडियो बनाए थे मैंने, वो समझी नहीं और उल्टा मुझे धमकी दी। जो मेरे मन में आएगा, जो मेरे मर्जी वो करूंगी मैं, तुझे जो करना है कल। आपके पति ने आप पे बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। सब झूठ झूठ बोल रहा है वो, झूठ। वही इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। थाना लोहिया नगर अंतर्गत जाहिदपुर के रहने वाले एक युवक द्वारा अपने पति पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रकरण की जांच की जा रही है, जांच में जो भी आरोप आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पति और पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि पति की तरफ से काफी ज्यादा गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगाए गए हैं। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर पति पत्नी की खटपट कब तक थाने तक पहुंचती रहेगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके के आरोप पति लगा रहा है, अगर उनमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो अब पत्नी का क्या होगा, क्योंकि आरोप वाकई बेहद गंभीर और संजीदा है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।